10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा छत्तीसगढ़। आप प्रवक्ता मुन्ना बिसेन, एंकर रीड। सीजी लाइव ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप प्रवक्ता मुन्ना बिसेन से यह जानने का प्रयास किया है कि आखिर आम आदमी पार्टी चुनाव के मद्देनजर आम जनता को किसानों को लेकर क्या सौगात देने वाली है और पार्टी किस तरीके का मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लाने जा रही है। आइए जानते हैं आप पार्टी प्रवक्ता मुन्ना बिसेन का इस पर क्या कहना है। आज हम रायपुर क्षेत्र के पूर्व आप पार्टी के प्रत्याशी श्री मुन्ना बिसेन जी के घर पे आए हुए हैं और बड़ा सामान्य सा इनके घर में माहौल है। आज इनसे हम कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे कि और ये भी आप लोगों से सूचित करना आवश्यक है कि मुन्ना बिसेन जी ना केवल पिछले विधानसभा में ये आप पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं किंतु आज वर्तमान में ये आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और ये बड़े सरल और सौम्य नेचर के लिए जाने जाते हैं। आइए आप हम लोग इनसे खाते खाते ये वार्तालाप करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले विधानसभा सत्र में जो चुनाव होने जा रहा है 2023 में आप पार्टी अपने आप को वर्तमान में कहां पाती है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक प्रमुख पार्टी के रूप में सत्ता और विपक्ष के रूप में यहां छत्तीसगढ़ में दिखने को मिल रही है। जानते हैं संजय बिसेन जी से कि क्या उनका आप पार्टी का रुख रहेगा। भैया ये बताएं आप कि पिछला विधानसभा चुनाव भी आपने यहां से कंटेस्ट किए थे तो उस चुनाव में और वर्तमान के जो आने वाला चुनाव होने जा रहा है उसमें आप दोनों में क्या अंतर देखते हैं। नमस्कार सर जी, आपने पूछा कि पिछले चुनाव और वर्तमान जो 2023 का चुनाव उसमें क्या फर्क है। 2018 का चुनाव वो आम आदमी पार्टी ने उपस्थिति दर्ज के लिए लड़ी थी और जिसमें हमने चुनाव लड़ा था दक्षिण विधानसभा से, पर जो 2023 होगा ना सर वो चुनाव अरविंद जी लड़ेंगे और वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की टीम लड़ेगी जो दिल्ली के तर्ज पे लड़ेगी। जिस तर्ज पे हमने पंजाब को जीता उसी तर्ज में छत्तीसगढ़ 2023 में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रथम चुनाव 2018 के चुनाव की अपेक्षा ये जो चुनाव होगा अरविंद जी पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली सारी टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो और हमारे छत्तीसगढ़ में जो आज की जो कल्पना है आम आदमी पार्टी की बखूबी तरीके से छत्तीसगढ़ के हमारे सिदूर से सिदूर बेल्ट में, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे इधर कवर्धा लास्ट हो, चाहे इधर डोंगरगढ़ लास्ट हो, चारों दिशाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव तक पहुंच चुके हैं जिसपे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की टीम ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री कुंवर उपेंडी जी ने जो आज ग्राम संपर्क अभियान चलाया जिसमें 18,668 छत्तीसगढ़ में गांव है उसमें तकरीबन 12,000 से 13,000 के बीच में आज हमारे गांव कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ जो बचे हैं वो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरा कर देंगे। और आपको बताना चाहता हूं पिछले 2018 का जो चुनाव था उसमें अरविंद जी ने सर्वे नहीं कराया था, अरविंद जी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट चुनाव और वो कैंडिडेट का चुनाव था, इससे पहले भी मैंने आपको। पर 2023 का जो चुनाव होगा अरविंद जी का चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े बड़े शीर्ष लीडरों का चुनाव होगा जिसमें सर्वे करवाया 90 विधानसभा का, अरविंद जी ने अपनी टीम भेजी थी दिल्ली से जिन्होंने पंजाब का सर्वे कराया, जिन्होंने गुजरात का सर्वे कराया, जिन्होंने हिमाचल का सर्वे कराया, जिन्होंने उत्तराखंड का सर्वे कराया था और छत्तीसगढ़ के सर्वे में उन्होंने ये पाया कि 90 विधानसभा में 91,000 लोगों से सर्वे किया और जिससे 91,000 लोगों से सर्वे करके 76 लोगों ने, गांव गांव के लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। और जब वो सर्वे निकला उनका और वो सर्वे दिल्ली गया अरविंद जी के पास में और अरविंद जी ने वहां से मुहिम छेड़ी, आज अरविंद जी का जो ग्राम संपर्क अभियान है उन्हीं की देन है। और आज हमारा हर कार्यकर्ता चाहे विधानसभा का प्रभारी हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा की सारी टीम हो, चाहे स्टेट की टीम हो या कोर की टीम हो, आज लगातार सतत प्रक्रिया चली है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार बनाएगी और दिल्ली और पंजाब के मॉडल को लेकर के आप छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये सारी चीज लेकर के छत्तीसगढ़ में आएंगे।
और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जो हमारी बोली भाली जनता, जिन्हें विगत साल 15 साल से भाजपा ने जनता के साथ धोखा दिया है, रोहित काम जो कांग्रेस ने पिछले 4 सालों से छत्तीसगढ़ की जनता को छला है, वो अब आम आदमी पार्टी को सारे भाजपा कांग्रेस दोनों दलों को धूल चटा करके छत्तीसगढ़ में दिल्ली के तन में जनता के हित की काम। सर, ये अभी किसानों के लिए आम आदमी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, ये किसान जो हमारे भाई हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए सर, 2018 के चुनाव में भी हमने किसानों के लिए बोला था 2600 में धान ले, वो हर लिखाला काम देखो, पर उसकी नकल मारी किसने? माननीय भूपेश बघेल जी, वर्तमान मुख्यमंत्री ने। उन्होंने बोला 2500 रुपए में मैं धान खरीदूंगा, और जनता को ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये शायद 2600 में धान लेगी कि नहीं, क्योंकि विश्वास में नहीं था वो पिछली चुनाव में। और इन्होंने 2500 में धान की बात किया, और आज आपको पता है किसानों के साथ इस आदमी ने कितना धोखा दिया है। आज न उनको बोनस मिल रहा है, न उनको 2500 में धान की कीमत मिल रही है। ये तो टोटल आम आदमी पार्टी की नकल करी जा रही है भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने तो टोटल नकल मारी है। अगर आप किसानों की बात करें, दूसरी स्वास्थ्य की बात करें, दूसरी शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मॉडल को लेके भी आत्मानंद बहुत सारे स्कूल के आप देखिए, सर्वे करिएगा, आत्मानंद स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, इंग्लिश मीडियम के नाम से छल कर रहा है। आज यहाँ की जनता बहुत दुखी है, वैसी स्वास्थ्य में भी उन्होंने नकल मारा। कांग्रेस की सरकार हमारी नकल करती है, और मैं तो आपको बताना चाहूंगा आज भाजपा ने भी हमारी नकल, कांग्रेस भी हमारी नकल कर रही है। एकमात्र राजनीति पार्टी है जिनकी नकल सारी पार्टियां करती है, पर आम आदमी पार्टी ने आज तक इन 7 सालों में 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, कभी किसी भी राजनीति पार्टी के अरविंद जी ने कभी नकल नहीं की, यही हमारा एक है। और आपको चीज बताना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस की राजनीति हमसे जस्ट अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये राजनीति इसलिए करते हैं कि ये राजनीति में करियर खोज रहे हैं, और आम आदमी पार्टी में चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का हो, या चाहे स्टेट का हो, या चाहे दिल्ली का हो, वो राजनीति इसलिए कर रहा है कि उसने अपनी करियर लगाया है और राजनीति में जनता के हित के काम के लिए आया है, वो करियर बनाने के लिए नहीं आया। ये आम आदमी पार्टी और भाजपा और कांग्रेस में फर्क। सर, आप ये बताने की भी कोशिश हम लोगों को, जनता को ये संदेश दे आप कि जो आपकी जो दिल्ली में जो जिस तरीके से आप आम जनता को राहत देते हुए केजरीवाल सरकार ने काम कर रही है अभी वर्तमान में, क्या आप वही मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ में भी लागू करेंगे? सर, करीब करीब तो वहां का जो मैनिफेस्टो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। दिल्ली अलग स्टेट है, छत्तीसगढ़ अलग स्टेट है। शायद दिल्ली के पास वो पूर्ण सत्ता नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के पास तो पूर्ण सत्ता, पूर्ण राज्य। हम तो दिल्ली को, दिल्ली से कई गुना ज्यादा यहाँ की हमारी छत्तीसगढ़ की जनता, क्योंकि हमारे पास सारे सोर्सेस हैं। दिल्ली के पास जो नहीं है वो छत्तीसगढ़ में है, और भारत का एक ऐसा स्टेट है छत्तीसगढ़ जो सर्वसंपन्न स्टेट है। अगर छत्तीसगढ़ में अगर हमारी सरकार बनती है सर, तो मैं आम आदमी पार्टी के सारे लोगों से हमारी चर्चा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 10 साल में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ की स्थिति कर देगी आम आदमी पार्टी।